हेलो वेलकम टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं कोई अपने आप से किसी आपको कोई मोटिवेशन स्पीच लेके नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं एक आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने आया हूँ, जिसको आप कोई भी चुटला नहीं सकते हैं। ये घटना है रामायण से। सभी तो जानते हैं कि रामायण का एक शब्द है वो पत्थर की लकीर के जैसा सत्य है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं इस वीडियो की सफ़र की तरफ। ये बात है उसमें जब श्री राम जी ने रावण को घायल कर दिया था और वो अपने अंतिम सांसें धरती में गिर के हुए थे और अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो तब श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, हे भ्राता, तुम रावण के पास जाओ और कुछ उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो। तो राम जी को लक्ष्मण ने कहा कि भ्राता, मैं इस शत्रु से क्या बात सीखूं, ये तो अहंकारी है, इसने माता सीता को आपसे छीन लिया था, इसने इतने ज़्यादा पाप किए हैं। पर श्री राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ये मुझसे ज्ञान में और मुझसे बल में और मुझसे धन में भी बहुत अधिक था, इसलिए तुम इसके पास जाओ, ये तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर अनमोल वचन देगा, कुछ ना कुछ जरूर तुम्हें ज्ञान देगा। तो लक्ष्मण जी तो मन से तो उनके पास नहीं जाना चाहते थे, पर वो अपने भ्राता जी का कभी भी कहा नहीं डालते थे। तो वो गुस्से से रावण के मुख की तरफ, मतलब सिर की तरफ खड़े होके बोला, हे रावण, तुम मुझे कुछ ज्ञान दो। तो रावण जी ने जब देखा कि लक्ष्मण मेरे सिर के ऊपर खड़ा होके बोल रहा है, तो रावण जी ने अपना मुख दूसरी तरफ फिरा दिया। तो लक्ष्मण फिर से श्री राम जी के पास आ गया कि देखो भ्राता, आपने तो कहा था कि इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, पर ये अहंकारी मुझे कोई ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि इसने अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया। तो तब श्री राम जी गए और वो रावण के चरण की तरफ खड़े होके उन्होंने बोला कि हे रावण, मुझे आप कुछ अपने ज्ञान दीजिए। तो तब श्री राम जी को रावण ने बताया था कि हे राम, मैं तुमसे शक्ति में, बल में और धन में कई गुना ताकतवर था, मेरे कई तुमसे अधिक भ्राता थे, कई गुना मेरे पुत्र थे, पर मैं तुमसे सिर्फ इस कारण के लिए हारा, तुम्हारे भाई और बंधु सभी तुम्हारे साथ थे, पर इस युद्ध में मेरा भाई, केवल एक भाई तुम्हारे तरफ था और मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं इस युद्ध में हारा, क्योंकि तुम्हारे साथ थे पर मेरा अपना कोई एक तुम्हारे साथ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपनों से दूर ना हो, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त में, चाहे अच्छे समय में आपके साथ नहीं होंगे, पर बुरे समय में वो आपके साथ जरूर होंगे। तो होप नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड